गलती से अगर आपके पास डबल एंट्री अगर हो जाती है खाद की, तो उसको डिलीट किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले हम मशीन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप हम सेल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ गोदाम चॉइस कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका राइट साइड पे जाना, राइट साइड पे आओगे नीचे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सेल कैंसिल, है ना, इस सेल कैंसिल पे क्लिक करना। जैसे आप सेल कैंसिल क्लिक करोगे यहाँ डेट डालना है, कौन सी डेट में, जिस डेट में आपका कैंसिल हुआ। मान लो उदाहरण के लिए मेरे पास मैं लिख गया 6/6/2023 और यहाँ पर भी वो लेना है 6/6/2023, बिल संख्या जो भी चॉइस करनी है आपको, जो भी हमको डिलीट करना हो, जिसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर बिल नंबर और यहाँ पर सेव कर दोगे। आप जैसे सेव करोगे तो आपकी जो डबल एंट्री वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी।